नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले तवेरा की। मेरे पास कई कमेंट्स आए हैं कि तवेरा के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं वो बताइए, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वाई तवेरा इज़ द बेस्ट फॉर अदर कार्स। आपने गाड़ियाँ बहुत देखी होंगी, आपके पास भी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन तवेरा जो है वो अन्य गाड़ियों से बेस्ट क्यों है? इसमें क्या ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अन्य गाड़ियों में नहीं है? क्या है इसमें स्पेस का सिस्टम, क्या इसमें सीटिंग का सिस्टम है, क्या इन सीटिंग को हम कैसे सेट कर सकते हैं, क्या हम गाड़ी की जो सीटिंग है उनको कैसे कैसे फोल्ड कर सकते हैं, और यदि फोल्डिंग सिस्टम है तो वो कैसे हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि गाड़ी की जो सीटें हैं इस तवेरा के अंदर, तवेरा की जो गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर जो सीटिंग है उस सीटिंग को हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं और कैसे हम इसके अंदर व्यवस्था जो है वो नई नई बना सकते हैं, कितना सामान इस गाड़ी में हम रख सकते हैं। तो वो सारी जो बातें हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। तो दोस्तों हम गाड़ी के अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप यदि यहाँ से देखेंगे तो गाड़ी को मैंने जैसे अभी ओपन किया है तो आप यहाँ पर स्पेस देख रहे हैं। तो अन्य गाड़ियों में इतना स्पेस नहीं होता दोस्तों जितना यहाँ पर है। ये जो यहाँ पर ये स्पेस दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पेस है दोस्तों। व्यक्ति कितना भी खुला खुला जो है वो रह सकता है, यदि मैं चाहूँ तो इसमें से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें एडजस्टेबल जो सिस्टम है वो सारा का सारा इसके अंदर है। यहाँ से इसको आगे पीछे किया जा सकता है, मैं इसको और भी पीछे कर सकता हूँ और भी आगे कर सकता हूँ। तो इसमें काफ़ी गैप है दोस्तों। ऐसे ही ये जो आपको सीट दिखाई दे रही है इस सीट में भी दोस्तों काफ़ी गैप है। कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ से इसको एडजस्ट करके और इसको आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। इतना हो जाएगा, इतना गैप तो अमूमन छोटी गाड़ी में मिलता है, जबकि इसमें देखिए इतना गैप है दोस्तों। ये गैप कम नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को इसमें बैठने के लिए इतना गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। बाकी और बात करें तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो सीट है यदि मैं इसको यहाँ से डाउन करता हूँ तो देखिए दोस्तों इतनी डाउन हो जाती है। और कोई व्यक्ति इसमें सोना चाहता है तो बिल्कुल डाउन तक है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ से इसमें आप तकिया लगा के आराम से इस पर सो सकते हो। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। ऐसे ही जो दूसरी वाली सीट है उसमें भी यही फैसिलिटी है। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। यदि आप इसमें चाहें तो और भी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं इसमें फोम वोम लगा के। कई लोगों के कमेंट्स आए कि हम इसमें थक जाते हैं चलाते चलाते हैं। दोस्तों मैं यदि 5 दिन भी इसको लगातार चला लूँ तो नहीं थकता, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या इसके अंदर स्टैंडर्ड है। तो ये तो दोस्तों कुछ आगे की सीटों का हुआ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पीछे की सीट का सिस्टम। ये जो दोस्तों आप ये बीच वाली जो सीट देख रहे हैं ये बहुत ही मस्त सीट आती है दोस्तों। ये जो बीच वाली सीट आप देख रहे हैं इसमें लॉन्ग सीट है, इसमें 4 सवारी जो है वो आसानी से बैठ सकती हैं। अन्य गाड़ियों में यदि देखा जाए तो 3 सवारी बैठेंगी, 4थी सवारी इस पर आसानी से नहीं बैठ सकती, लेकिन इस सीट पर दोस्तों 4 सवारियाँ जो है वो आसानी से बैठ सकती हैं। इतनी लंबी सीट है ये और इसके अंदर और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। आपको ये सीट बिल्कुल नॉर्मल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी नॉर्मल ये सीट है नहीं। इस सीट के अंदर हम फोल्डिंग कर सकते हैं, इसको अपन पूरा फोल्ड करके आगे चिपका सकते हैं। पीछे का जो स्पेस है आप गाड़ी के पीछे का स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस इतना ही आपको दिखाई दे रहा है, इतना ही नहीं है। इस स्पेस को हम डबल कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें से स्पेस देख रहे हैं, स्पेस जो है वो स्पेस वहाँ से लेके यहाँ तक का हम पूरा कवर कर सकते हैं इसको फोल्ड करके। तो इसको फोल्ड करना सबको आना चाहिए। लगभग गाड़ियों में ये फोल्डिंग सिस्टम है वो ख़राब रहता है, लेकिन मैंने मेरा फोल्डिंग सिस्टम अभी तक सही कर रखा है, क्योंकि इसमें वायर्स आते हैं और कई बार क्या होता है दोस्तों वो वायर कट जाते हैं। तो वो वायर एक बार कट गया ना तो ये फोल्डिंग नहीं हो पाएगी, फिर ऐसी कैसी रहेगी। तो लोगों को कम पता है, क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिस्टम आता है, इसको यहाँ से एक तो ऐसा आता है, एक उधर की साइड में 2 स्विच हैं। 2 स्विच को कैसे इसमें सेट किया जाए कि दोनों की सीट जो है वो नीचे गिर जाए। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप इस सीट पर देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पर है ये रहा, और ऐसा ही दोस्तों इधर की साइड में मिलेगा ये रहा। इन दोनों को दोस्तों एक साथ ही दबाना पड़ता है। यदि इन दोनों को एक साथ दबाते हैं तो ये सीट जो है वो बिल्कुल से डाउन आ जाती है। जैसे कि मैं दोस्तों इन दोनों को एक साथ दबाता हूँ अभी, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस सीट को मैं अभी क्या करूँगा, इसमें डाउन करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि इसको मैंने थोड़ा दोनों सीटों को नीचे कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो एक तो यहाँ पर स्विच मैंने बताया और एक इधर की साइड में मैंने बताया कि दोनों जो हैं इन दोनों को दोस्तों ऐसे ऐसे ऊपर करके और इनको इसको ऐसे कर लीजिए, समझ आया कि यहाँ से इन दोनों को ऐसे, ये दोनों जो है स्विच इसको दोनों को ऊपर किया और इसको ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद में आप इसको यूँ डाल सकते हो नीचे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये लॉन्ग स्पेस हो गया यहाँ पर। अब आप ये बिल्कुल से देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पेस है वो कितना लॉन्ग यहाँ पर हो चुका है।
ये देखिए दोस्तों कितना लॉन्ग स्पेस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस है, वहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस है। तो ये दोस्तों ये ओपन में स्पेस हो गया, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं तो इतना स्पेस इसमें ओपन में आपको दिखाई दे रहा है जब ऊपर का है। डाउन का यदि करना चाहें तो भी इसमें कर सकते हैं, अभी मैं आगे बताता हूँ कि आगे इसमें किस प्रकार से और स्पेस निकल सकता है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने गाड़ी की सीट जो है वो भी तो हाफ ही मैंने डाउन करी है, कैसे डाउन करी है वो मैंने आपको बता दिया है, इन स्विच के माध्यम से मैंने डाउन करी है। अब इतना स्पेस आपको ये दिखाई दे रहा है, इससे और कहीं गुना ज़्यादा स्पेस इसमें हो जाएगा। जैसे कि ये जो इतना आ गया इसको आप और उठा सकते हैं यहाँ से पकड़ के, और इसको आप ये उठा दीजिए यहाँ तक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये दो सीटें थी, जिसको मैं अभी एडजस्ट वापस कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ से इसको वापस कर सकते हैं ऐसे करके, ये यहाँ तक वापस मैंने कर दिया है। तो ऐसे दूसरी वाली सीट है उसको भी हम उठा सकते हैं। अब आप स्पेस देख रहे हैं इतना स्पेस और एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये लॉक्स आते हैं दोस्तों, इसके अंदर वायर से कट जाते हैं तो ये सही नहीं है, तो आप इसको सही करवा लीजिए। इस प्रकार से वायर्स आते हैं तो इनको सही करवा लीजिए, तभी ये लॉक काम करेंगे, नहीं तो ये लॉक काम नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर टकते हैं, तो इतना स्पेस दोस्तों इसके अंदर और हो गया है। ये पीछे का स्पेस है, तो इतना स्पेस दोस्तों निकल आया गाड़ी के अंदर। अब हम दोस्तों चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। ये आपको बैक साइड का जो लुक है वो गाड़ी का दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो है, हम अंदर की साइड में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं ये इसके अंदर मैक्सिमम दो आदमी आराम से खुले खुले बैठ सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, दो तो वैसे बैठ सकते हैं इतनी सीट पर, बाकी इमरजेंसी में तीन भी बैठ सकते हैं। तो इधर देख सकते हैं आप, दो जैसे इधर आ गए, दो इधर आ गए, एक स्पीकर पर आ गया, तीन चार इस पर आ गए। तो इस प्रकार से चार, दो छः, दो आठ, एक नौ, एक आगे वाली सीट पर 10, एक इधर वाली पर 11, 11 तो इसमें आराम से आ सकते हैं। बाकी एक बीच, दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर भी एक आ जाए तो 12 आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है वो आ सकते हैं, आप देख रहे हैं इतने स्पेस इसमें निकल गया। अब मैं इसमें और स्पेस निकालना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ से देखिए, इसको मैं इस प्रकार से यहाँ से फोल्ड कर देता हूँ, और फोल्ड करके ये जो मैं यहाँ पर इसका लॉक है वो लगा देता हूँ, तो ये हो गया। और ऐसे ही मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, इस प्रकार से उठ जाएगी। यहाँ से मैं इसको फिर से लॉक कर देता हूँ, ये हो गया इस प्रकार से। अब आप दोस्तों इसमें देख रहे हैं स्पीकर भी इसमें है। स्पीकर को यदि साइड में हटा दिया जाए, जैसे कि स्पीकर, इसको मैं यहाँ से साइड कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो इसमें आप स्पेस देख रहे हैं, इसके ऊपर इतना स्पेस आ गया है कि दोस्तों इसमें आराम से दोनों साइडों में व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप ये जो स्पेस देख रहे हैं ये बहुत ही काफ़ी स्पेस है, इसमें आप 6x4 का गद्दा बिछा लीजिए। 6x4 का घर से गद्दा लेके जाइए और यहाँ पर इसमें पूरे पर बिछा दीजिए इस प्रकार से, और चप्पलें जो हैं वो आगे की साइड में डाल दीजिए, और व्यक्ति इधर बैठ सकते हैं, पांच व्यक्ति इधर बैठ सकते हैं, दो व्यक्ति बीच में बैठ सकते हैं। आराम से बैठे बैठे आराम से खेलो, या आराम से बैठे बैठे गपशप मारो, चलाने वाला वहाँ पर बैठ जाएगा, और इसके अलावा एक वहाँ बैठ जाएगा, दो जने सीट के ऊपर बैठ जाएंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दो तीन जने इधर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों इतने सारे इसमें स्पेस है, सामान वगैरह है, उसका लोडिंग का कोई दिक्कत नहीं है। छत है, छत के ऊपर आप सामान डाल लीजिए, छत पर नहीं बांधते वो, छत पर बांधने के लिए तो आपको पता है कि छत वो लगानी पड़ती है, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सामान आगे रख सकते हैं, सामान रखने का इसमें स्पेस है, बहुत सारा सामान इसमें दोस्तों अभी भी रखा जा सकता है गद्दा बिछाने के बाद भी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें मोर स्पेस जो है वो निकल आता है गाड़ी के अंदर। तो तवेरा दोस्तों हर प्रकार से बेस्ट बेस्ट है। यदि कोई बंदा चाहे कि मैं बैठ नहीं सकता इस प्रकार से इसके अंदर, इसको वापस खोल दीजिए और यहाँ से इसको ये जो है इस लॉक को इस प्रकार से कर दीजिए, तो दो तीन जने इस पर बैठ जाएंगे, बाकी नीचे बैठ जाएंगे गद्दे के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट जो है इस गाड़ी के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों वापस इसको पूर्व अपने स्थान पर लेके आते हैं सारी सीटों को। तो दोस्तों जैसे ये है, इसको मुझे वापस अपनी जगह पर लेके आना है, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा इस प्रकार से, और इसको डाउन किया और इस प्रकार से इसको अप किया। तो देखिए दोस्तों ये लॉक हो गई है, और इस प्रकार से वापस से मैंने इसको वापस अपनी जगह पर ला दिया है। दोनों सीटों के बीच में एक तो सीट दोस्तों लॉन्ग आती है, मैंने इसमें दो सीटें अलग अलग लगा रखी हैं, तो इसमें लॉन्ग सीट भी आती है। ये बीच में मैंने बोतल रखने की कोई सिस्टम बना रखा है, इसके अंदर बोटल वोटल रख सकते हैं, और मैंने मेरे अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर रखा है गाड़ी को। तो आप चाहें उस हिसाब से आप गाड़ी को अपने मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर रखा है। तो दोस्तों ये सीटिंग का सिस्टम है, ये रूफ सिस्टम है इसके अंदर, और लाइटिंग का सिस्टम है। आप अपने अनुसार इसमें लाइटिंग चाहे उतना लगा सकते हैं, जितने चार्जर चाहे उतने लगा सकते हैं। मैंने तो गाड़ी में चार्जर लगा रखे हैं बहुत सारे।
तो दोस्तों स्पेस के मामले में तवेरा का जवाब नहीं है। मैंने मेरी लाइफ में इससे अच्छी गाड़ी कोई भी नहीं देखी है, और इससे इसके अलावा कोई भी गाड़ी है उसको मैं चलाने का शौकीन भी नहीं हूँ। मुझे कोई भी गाड़ी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि मैं और कोई गाड़ी जो है दोस्तों चलाऊँ, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे कोई भी गाड़ी चलाने का शौक़ नहीं है। तो मैं इसी गाड़ी को मेंटेन रखता हूँ और इसी गाड़ी को हमेशा चलाता हूँ, क्योंकि मैंने इसको मेरे हिसाब से सिस्टम सेट कर रखा है। कैसे भी इसमें लाइटें वाइटें लगा रखी है, किस प्रकार से मैंने इसके अंदर अपने हिसाब से इसको सेट कर रखा आप देख रहे हैं। तो मैं इसको अपने हिसाब से मेंटेन करता हूँ और अपने हिसाब से इसमें मैंने सारी सिस्टम कर रखी है। जहाँ भी घूमने जाते हैं तो इसी में जाते हैं, और कितना सामान इसमें लोड करना है वो मुझे पता है, इसमें कितना सामान दोस्तों लोड हो सकता है। तो दोस्तों हर तरीके से ये गाड़ी जो है वो द बेस्ट है, और इस जैसी गाड़ी जो है वो आई है नहीं है और आएगी भी शायद मुश्किल से नहीं, क्योंकि गाड़ी जो है ये बहुत ही अपने टाइम में बहुत ही बढ़िया गाड़ी आई थी शेवरोले कंपनी की, और इसके बाद में जो और गाड़ियां आने लग गई है वो गाड़ियां जो हैं वो मेरे हिसाब से तो मेरे को तो पसंद नहीं आ रही। बाकी सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, कोई किस प्रकार की गाड़ी मेंटेन रखता है, कोई किस प्रकार की रखता है, बाकी मुझे तो यही गाड़ी हमेशा से पसंद है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको तवेरा जो पसंद है, क्योंकि मार्केट में मैं हमेशा देखता हूँ कि यदि 10 गाड़ियाँ जा रही हैं तो उनमें से 5 या 7 गाड़ी तो तवेरा ज़रूर जाती है, और उनमें से 3-4 गाड़ी हैं वो अलग अलग कंपनियों की है। तो इसका मतलब है कि तवेरा को लोग पसंद करते हैं। स्पेस के मामले में देख लीजिए, एवरेज के मामले में देख लीजिए दोस्तों, हर तरीके से गाड़ी जो है वो बेस्ट है। बस इसके लिए मेंटेन इसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको कैसे मेंटेन रखते हैं, आप इसको कैसे किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से आपका चलाने का सिस्टम है, कैसे इसका स्टार्ट करने का सिस्टम है, वो सारा तो मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं दोस्तों अपने चैनल पर डाल रखी हैं। आप इसमें सर्च मार सकते हैं तवेरा के नाम से, बहुत सारी वीडियो मिलेंगे। इसकी मेंटेनेंस मैंने डाल रखी है, और भी मैं इसके मेंटेनेंस वगैरह डालता रहूँगा। और आप लोग जो मुझे कहोगे किस टाइप का मुझे तवेरा का वीडियो बनाना है, तो मैं वो वीडियो जो है आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा नया वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए और अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।